हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिजवान, आप देख रहे हैं रिजुटेक। सो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अपने यूट्यूब वीडियो पर नो कॉपीराइट म्यूजिक कैसे डाउनलोड करें और उसे कैसे यूज़ करें। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए देखिए ताकि आपको इजी से समझ में आए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू बी गेट नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट फ्रॉम रिजुटेक। सो आप देख सकते हैं कि मेरे यूट्यूब वीडियो पर एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। हाँ, तो वो मैं म्यूज़िक कैसे डाउनलोड करा और वो कहाँ से डाउनलोड करा, सो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो आपको यूट्यूब से ही वो म्यूज़िक डाउनलोड करना है। सो पहले हमें यूट्यूब ऐप ओपन करना है। यूट्यूब ऐप ओपन करने के बाद हमें सर्च बार में टाइप करना है कि NCS। NCS टाइप करने के बाद हमें जो फर्स्ट प्रोफाइल दिखेगा वो फर्स्ट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। फर्स्ट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद हमें बहुत सारे नो कॉपीराइट म्यूज़िक दिखते हैं। किसी भी एक म्यूज़िक पर क्लिक करके हमें डाउनलोड करना है। सो वो डाउनलोडिंग का प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस मैं यहाँ नहीं बता सकता। सो अगर आपको डाउनलोडिंग का प्रोसेस पता करना है तो मुझे टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर मिल सकते हैं, वहाँ आपको डिटेली एक्सप्लेन करता हूँ कि डाउनलोडिंग का प्रोसेस कैसा करें। सो रिसेंटली मैं एक यूट्यूब वीडियो अपलोड करा था, उस पर नॉर्मली एक म्यूज़िक बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाया था। उस यूट्यूब वीडियो पर मुझे कॉपीराइट का स्ट्राइक गिर गया है। सो कॉपीराइट स्ट्राइक गिरने से क्या होता है? कॉपीराइट स्ट्राइक गिरने से हमें जो वीडियो पर हम म्यूज़िक अपलोड करे थे तो फ्यूचर में वो वीडियो पर कुछ अर्निंग होगी तो वो अर्निंग नहीं होगी उतना ही, लेकिन आपके चैनल पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ आपके वीडियो पर इफेक्ट पड़ता। सो जो भी आप NCS से म्यूज़िक अपलोड कर रहे हैं, सो हमें जो भी यूट्यूब वीडियो पर आप म्यूज़िक NCS से अपलोड कर रहे हैं तो हमें यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में वो म्यूज़िक का नाम दे देना है और वो म्यूज़िक कहाँ से लिए है और वो म्यूज़िक का लिंक दे देना है ताकि आपको फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम नहीं आए। प्रॉब्लम तो नहीं होता, अगर आप मेंशन करो या ना करो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आपको फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना बोले तो आपको मेंशन करना है। मुझे भी रिसेंटली पता है कि कौन सा म्यूज़िक यूज़ करें। सो मैं नॉर्मली एक म्यूज़िक लिया था तो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक किया। सो आपको भी पता चलना बोल के मैं आज आपको इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। सो अगर आपको डाउनलोडिंग का प्रोसेस पता करना है तो मुझे टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर मिल सकते। सो होप अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो।